नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इतिहास की अब तक की 5 सबसे महंगी बजट की फिल्म के बारे में। तो बने रहे वीडियो के साथ। तो इस लिस्ट की जो 5वीं नंबर की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट टू। चांद जाके मेरी जान से आ रहा है चिंटू पांडे, फिर लेने दुल्हन पाकिस्तान से। फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू, और स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे संजय पांडे, मोना लिसा और सुभी शर्मा। फिल्म काफी शानदार थी। ये फिल्म 2016 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से की सीक्वल थी, जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था भोजपुरी के लेजेंडरी डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे ने। फिल्म को काफी बड़े कैनवास पे शूट किया गया था, और इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि इस फिल्म के जरिए साउथ एक्टर राहुल देव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। फिल्म के एक्शन सीन्स और प्रदीप पांडे चिंटू की डायलॉग डिलीवरी काफी शानदार थी, जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। और ये फिल्म प्रदीप पांडे चिंटू की कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक है, और इस फिल्म का बजट 3.89 करोड़ के आसपास रखा गया था, और ये फिल्म इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। इस लिस्ट की जो 4थी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है दबंग सरकार। जवान भी काम कर लिया ताल ठोक के, और नहीं तो सामने वाला के ठोक के। दबंग सरकार, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2018 में नवंबर के महीने में। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, आकांक्षा अवस्थी, समर चतुर्वेदी और संजय पांडे जैसे दिग्गज कलाकार। फिल्म को डायरेक्ट किया था योगेश राज मिश्रा ने, जिनकी एज ए डायरेक्टर के रूप में ये पहली फिल्म थी। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी काजल राघवानी, और इस फिल्म में काजल राघवानी और खेसारी लाल पर फिल्माया गया एक गाना पागल बने वे कारे पदर की, ये गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म की स्टोरी बाकी बन रही भोजपुरी फिल्मों से काफी अलग थी, और इस फिल्म के एक्शन सीन भी काफी शानदार रखे गए थे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट 3.98 करोड़ रखा गया था, और ये इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आती है। इस लिस्ट की जो 3री फिल्म है, उस फिल्म का नाम है शेरे हिंदुस्तान। सिस्टम को उखाड़ के फेंक दीजिए सर, जो हम जैसे शेरों को पिंजरे में कैद करके रखा। शेरे हिंदुस्तान, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में होली के मौके पर। उन शहीदों के विधवाओं के कलेजे को ठंडक तब मिलेगी सर, जब दुश्मनों के घर में घुस के। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे जुबली स्टार निरहुआ, और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था नेपाली एक्ट्रेस नीता दुगुनिया ने। फिल्म की स्टोरी और फिल्म को डायरेक्ट किया था मनोज नारायण ने। फिल्म की स्टोरी बाकी बन रही भोजपुरी फिल्म से काफी अलग थी, और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की कोशिश की गई थी, और इस फिल्म के एक्शन सीन भी काफी हाई लेवल के गए थे। और इससे पहले तक हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह के एक्शन सीन देखने को नहीं मिले थे। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 4 करोड़ के आसपास रखा गया था। इस लिस्ट की जो 2री फिल्म है, वो भी निरहुआ की है, और इस फिल्म का नाम है निरहुआ चलल लंदन। यार नहीं, मेरा लंदन है बेटा, हमारे नाम नहीं रहुआ। अगर हम अपने आप पे आ जाए इंग्लैंड के महारानी के लेके भाग जाए। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे जुबली स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे। फिल्म के एक्शन को और फिल्म को डायरेक्ट किया था चंद्रपंत ने, और फिल्म को प्रोड्यूस किया था सोनू खत्री जी ने। फिल्म काफी शानदार थी, और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग 5 देशों में की गई थी। इस फिल्म की शूटिंग भारत, नेपाल, लंदन, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम देशों में की गई थी। फिल्म को काफी ग्रैंड लेवल पर
बनाया गया था। दोस्तों, इस फिल्म के टीजर को 2017 में, फिल्म के ट्रेलर को 2018 में और फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में फरवरी के महीने में। और ये फिल्म उस समय तक की भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी बजट की फिल्म थी। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रखा गया था। बात करते हैं अब इस लिस्ट के नंबर एक वाली फिल्म। तो इस लिस्ट पे नंबर एक पर आती है फिल्म क्रेक फाइटर। हिसाब से समझाइला, ना समझला पर पे हिसाब मारीला, निकाल ले बाँक ऐसे ना देख, नाम हवे सुपर हई, यहाँ से करे। क्रेक फाइटर, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में होली के मौके पर। इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, सचिता बनर्जी, निधि झा। और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था साउथ और बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टर प्रदीप रावत ने। फिल्म काफी शानदार थी। इस फिल्म की शूटिंग में लगभग 90 दिन का समय लगा था। फिल्म को डायरेक्ट किया था सुजीत कुमार ने, जो कि इससे पहले पवन सिंह के साथ सत्या और वांटेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्ट कर चुके थे। फिल्म की स्टोरी को लिखा था वीरू ठाकुर ने। ये फिल्म बिहार के कुछ थिएटर में 100 दिन तक चलने में कामयाब हुई थी। और ये फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्म बनी थी। बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट 5 से 5.5 करोड़ के आसपास रखा गया था। और ये फिल्म अब तक की भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी बजट की फिल्म बनी हुई है। दोस्तों, इन 5 फिल्मों की लिस्ट में 2 फिल्म जुबली स्टार निरहुआ के नाम है, एक फिल्म पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे चिंतू के नाम है। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है कि इन 5 फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।